और आज का है ब्लॉग, एक ब्लॉग नहीं है, मेरे लिए इमोशन है, मेरे परिवार के लिए इमोशन है। तो आज हम लोग दिवाली को सेलिब्रेट करने वाले हैं, 2024 की पहली दिवाली हम लोग आज मनाने वाले हैं, क्योंकि आज 500 सालों का इंतजार खत्म हो गया है और मेरी मिसेस भी आ चुकी हैं रेडी होकर, काफी टाइम लिया इन्होंने। लेकिन आज बहुत बड़ा दिन है, भगवान राम आ चुके हैं अयोध्या, तो आज मिलकर हम लोग भी दीप जलाएंगे, खुशियां मनाएंगे और छोटी सी सेलिब्रेशन हम लोग अपने घर में करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। तो चलिए चलते हैं इस ब्लॉग और वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। हेलो फ्रेंड, जय श्री राम। और आज बहुत ही पावन दिन है, आज 22 जनवरी का वो शुभ दिन है जिसका इंतजार हम लोगों को 500 सालों से था। तो हम लोग अपने घर में दीप जला रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आज है बहुत ही बड़ा दिन है, भगवान राम वापस अयोध्या आए हैं और हमारा जो इंतजार था 500 सालों का वो आखिर खत्म हो गया है। यस, और हम लोग को लगता है कि बहुत लकी हूँ, जितने लोग भी हैं हम लोग सबको ही बहुत लकी है जो अभी हम लोग जी हाँ सब देख रहे हैं। जय श्री राम। और प्लीज सब लोग कमेंट में जय श्री राम करिएगा। हम लोग काफी भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं क्योंकि हम लोग इस जनरेशन में जन्म लिए हैं जहाँ पर ये सौभाग्य हम लोगों को मिला है कि हम लोग राम मंदिर को बनते हुए अपनी आंखों से और भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा को अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी भाग्य की बात है। उम्मीद करते हैं हमारी ये छोटी सी ब्लॉग और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो हमेशा स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, अपना ख्याल रखें। यस, और प्लीज हमारा भी ख्याल रखें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जी हाँ, ऐसे ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। एंड हैप्पी दिवाली अगेन। तो हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स आप सभी को, और जय श्री राम, सियावर रामचंद्र की जय।